नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। भाप लेना हमेशा से ही सर्दी जुकाम का देसी इलाज रहा है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या सूखी खांसी यानी ड्राई कफ में भी ये तरीका काम आ सकता है। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि सूखी खांसी गीली वाली खांसी की तुलना काफी देर से जाती है, लेकिन ये इन्फेक्शन के कारण बार बार ट्रिगर कर सकती है, जिसकी वजह से आपको ये लंबे समय तक परेशान कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भाप लेना कितना सही है, आइए जानते हैं इस बारे में। स्टीम इनहेलेशन, ये गर्म पानी से भाप में सांस लेना है। बहुत से लोग सर्दी या साइनस संक्रमण होने पर अपने नाक और नेजल पैसेज को खोलने के लिए ऐसा करते हैं। माना जाता है कि गर्म नम हवा बलगम को ढीला करती है और लक्षणों से राहत दिलाती है। ऐसा ही कुछ काम ये सूखी खांसी के दौरान भी करती है। गर्म भाप सूखे और चिड़चिड़े नाक के रास्ते को नम करने में मदद करती है, गले के दर्द को कम कर सकती है। इतना ही नहीं, ये हल्के संक्रमण या एलर्जी के कारण होने वाली खांसी की गंभीरता को कम कर सकती है। आपको बता दें, भाप लेने का सही तरीका आपको ड्राई कफ की समस्या से बचने में मदद कर सकता है। तो अगर आपको ड्राई कफ की समस्या है तो नमक या पेपरमेंट ऑयल से भाप ले सकते हैं। इस दौरान अपने सिर पर एक तौलिया लपेट लें ताकि ये आप इस भाप को अच्छी तरह से अपने अंदर ले लें। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस काम को बार बार करना है। कम से कम दिन भर में ये काम 3 बार करें। सुबह उठने और रात को सोने से पहले ये काम जरूर करें। ये आपके गले, नाक और फेफड़ों को शांत करने में मदद करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।